ऑल राइट गाइस तो मेरे पास जो है काफ़ी सारे आपके मैसेजेस आ रहे थे कि भाई फिनेस्टाइड का लिंक दे दो आप फिनेस्टाइड कहाँ से यूज करते हो और फिनेस्टाइट को जो है वो कैसे वर्किंग रहती है तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं फिनेस्टाइड से रिलेटेड तो वीडियो के अंदर जो है एंटर बने रहना और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो जब हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस की बात करते हैं जो कि आदमियों के अंदर नाइन्टी से ज़्यादा केस होता है हेयर हेयर लॉस का तो उसके अंदर जो मेन कारण होता है वो होता है डीएचटी जो कि एक होर्मोन है हमारी बॉडी के अंदर बनाया जाता है जो कि हार्मोन हमारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर कुछ इस तरीके से काम करता है कि उनके ऊपर जो ब्लड फ्लो वगैरह है और उनके ऊपर जो ऑक्सीजन जानी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती जिस कारण जो हेयर लॉस है वो स्टार्ट हो जाता है और आपने नोट किया होगा कि जब भी हेयर लॉस होता है तो उसका एक फिक्स पैटर्न होता है यानी कि पहले जो है फ्रंटल रीजन में जो हमारा टेम्पल एरिया होता है वहाँ पर जो बाल है वो पतले होते हैं धीरे धीरे करके वो जो बाल हैं वो पतले होते हैं उसके बाद जो है वो गायब हो जाते हैं और फिर जो है जो हमारी गंज है वो पीछे तक बढ़ जाती है जहाँ पर जो है होनी स्टार्ट हो जाती है और फिर जो है वो दोनों एरियाज जो है वो जुड़ जाते हैं और फिर जो हेयर लॉस है वो कम्प्लीट एक बॉलनेस का फॉर्म ले लेता है अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हेयर लॉस है वो उतना एग्रेसिव ना हो और आपकी जो कंडीशन है वो स्टेबल हो जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एक डी ब्लॉकर अपने मेडिकेशन के अंदर ऐड करें और तभी जो है हमारे पास ये फिनेस्टाइड जो है वो यूज़ में आता है ये जो फनेस्टाइड है ये मार्स कंपनी का है और इस फेनेस्टाइड की जो बॉटल वो कुछ इस प्रकार की आती है इसकी अंदर इसके अंदर जो आपको थर्टी टैबलेट्स देखने को मिल जाएंगी जो कि एक महीने के लिए इनफ रहती हैं तो जब अगर आप चाहते हैं फिनेस्टाइड से आपको जो अच्छा रिजल्ट मिले तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ये सोच के चलें कि फिनेस्टाइड अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें जो इसको यूज़ करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आपने जो है फिनेस्टाइड को दो तीन दिन या दो तीन हफ्ते यूज़ किया और आपको आपने बोला कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा है इसको छोड़ देता हूँ ऐसा बिल्कुल ना करें फिनेस्टाइड का ये काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा फिनेस्टाइड को जो आपको यूज़ करते रहना पड़ता है इसकी जो एक टिपिकल डोज होती है वो वन मिलीग्राम पर डे की होती है और इसको जो आपको धीरे धीरे करके जो है रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है पहले जो है जब आप इसको इनिशियली यूज़ करेंगे तो कई बार जो आपको शेडिंग भी देखने को मिलती है मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं गाइस चैनल के ऊपर कि भाई हमें शेडिंग हो रही है शेडिंग हो रही है हेयर लॉस है वो बढ़ गया है क्या फिनेस्टाइड जो है हमें साइड इफेक्ट हो रहा है ये हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है मेरा ये फिनेस्टाइड के काम करने का तरीका है कि जो आपका हेयर लॉस है वो पहले थोड़ा सा बढ़ता है और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है रीग्रोथ तो होनी स्टार्ट होती है अब जो जिन लोगों को रिजल्ट मिला है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो आपने एक साइकिल देखी होगी रिजल्ट आने की कि पहले जो है हमारा हेयर लॉस है वो थोड़ा सा बड़ा हेयर लॉस नहीं कहेंगे उसको हेयर शेडिंग बोलेंगे हेयर शेडिंग जो है उसके बाद आपके वीक जो बाल होते हैं पतले बाल होते हैं वो गिरते हैं और उसके बाद जो नए बालों के लिए वो जगह बनती है तो ये जो है नॉर्मल तरीका है फनेस टाइट के काम करने का तो इसलिए पैनिक ना करें जब भी फिनेस्टाइड यूज़ कर रहे हैं तीन चार महीने का उसको टाइम दे और आपको जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली मिलना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ स्टडीज़ हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म जो है हमारी फिनेस्टाइड की एक एफिकेसी जो भी निकल के आई है यानी कि फिनेस्टाइड किस हद तक काम करता है और काफ़ी पॉजिटिव इसका जो रिजल्ट है मैंने चैनल के ऊपर शेयर कर रखी है लॉन्ग टर्म स्टडीज़ इस फिनेस्टाइड की जो कि है ऑलमोस्ट दस दस साल की जिसके अंदर निकल के आ रहा है कि दस साल के बाद भी जो रिजल्ट है वो मैंटेन्ड है तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है एक अच्छा ये जो है हमारे पास एक सोल्यूशन है हेयर लॉस का तो इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं मैं इसका लिंक नीचे छोड़ दूंगा वहाँ से जो आप जाकर बाय कर सकते हैं और जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि वहाँ पर जो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं फ्री में जी हम फ्री में कंसल्ट कर सकते हैं तो कई लोगों को जो है डॉक्टर्स वगैरह की कंसल्टेशन में प्रॉब्लम आती है तो वो भी आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो का होप हो आपको अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सी यू नेक्स्ट टाइम